तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड शॉट 268, जी हां दोस्तों गोल्ड शॉट 268 जिसको लेके लगभग मल्टीप्लेयर के 98% बंदे परेशान हैं, तो गाइस उसको हम आज पूरे तरीके से निचोड़ देने वाले हैं। पूरे आपको लेंथ, टाइमिंग, पोजीशन और किस तरह से कनेक्ट होगा सब कुछ आपको बताएंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपको भी भाई बहुत मजा आने वाला है। तो भाई सबसे पहले अगर आपके पास ये शॉट नहीं है तो आपको शॉर्ट बुक में जाके 8 गोल्ड फ्रेगमेंट को खर्च करके 268 गोल्ड शॉट को खरीद लेना है। इसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 140 मीटर है, वाइट थर्ड मैन के ऊपर से जाता है। अब आते हैं शॉर्ट मैप में, तो 10 o'clock पे दोस्तों आपको बस फ्रंट फुट पे 268 देखने को मिलेगा। गाइज ये वाला जो शॉट है वो बैक फुट पे नहीं है, बस फ्रंट फुट पे है, सारे बैट्समैन के लिए अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे फ्रंट फुट पे रख के 10 o'clock पे सेव कर देना है। अब बात करते हैं लेंथ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो गाइज लेंथ है, यॉर्कर है, मैं एक स्टेप पीछे गया हूँ। आपके सामने मल्टीप्लेयर का बात है दोस्तों, देख लो मल्टीप्लेयर गेम आपके सामने गाइज, कोई भी स्कैम नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। देख लो इस बार फुल लेंथ पे बॉल है, मैं एक स्टेप की दूरी रखा हूँ और आपके सामने दोस्तों ये भी गया है 6 रन, यानी कि गुड लेंथ को आप देखने वाले हैं। फुलर लेंथ और यॉर्कर का बात हमने कर लिया, देख लो आपके सामने गुड लेंथ पे बॉल है और ये भी कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे भी रन आए हैं। तो गाइस तीनों लेंथ क्लियर हो गया, यॉर्कर, फुलर लेंथ और गुड लेंथ। अब बात करते हैं टाइमिंग की, तो देख लो फास्टर की भाई तेज गति की गेंद है, तो हमें कैसे खेलना है, काफ़ी अर्लियर खेलना है गाइस। जैसे ही हाथ से छूटने वाली हो गेंद उसी टाइम आपको खेलना है और रिजल्ट बहुत ही तगड़ा होगा। और यॉर्कर के लिए भाई ध्यान रखना कि आपको अर्लियर खेलना पड़ेगा, एक स्टेप की दूरी रखनी पड़ेगी तब यॉर्कर कनेक्ट होगा। अब धीमी गति की गेंद है, तो हमने हाफ पिच पे यहाँ पे जब बॉल गई है तब हमने क्लिक करा फ्रंट फुट पे और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हर एक चीज़ भाई मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए हर एक चीज़ भाई। मैं आपको लेंथ भी मल्टीप्लेयर में ही आके बताया हूँ, वरना नेट पे भी मैं बता सकता था। यहाँ पे देखो धीमी गति मतलब धीमी गति गेंदबाज की तेज गति गेंद को भाई हाफ पिच पे खेलना है और बिल्कुल धीमी गति गेंद हो स्पिनर की तो पिच होने से पहले खेलना है। ये सब आपको दिमाग में रख लेना गाइस, और थोड़ा सा नेट पे प्रैक्टिस कर लोगे, दिक्कत नहीं होगा। और भाई कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना, और यार बहुत मेहनत लगता है यार कसम से गाइज। लेकिन गाइज आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, बस चंद सेकंड लगेंगे यार, कर दो क्या जाएगा आपके, इसमें पैसे भी नहीं लगते यार, और तगड़े तगड़े वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलते रहेंगे।